हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज मी शाइनी. समर सीज़न या मॉनसून सीज़न, परफ्यूम्स हमें ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस समर सीज़न. तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अफोर्डेबल परफ्यूम्स कलेक्शन. तो काफ़ी सारे परफ्यूम्स मैं शेयर करूँगी ताकि आप सबको हेल्प हो टू डिसाइड कि कौन सा वाला आपके लिए परफेक्ट रहेगा. सारे ही 500 रुपीज़ के अंदर है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी बजट फ्रेंडली एंड वेरी हेल्पफुल. मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Amazon पे अभी चल रही है मॉनसून कार्निवल सेल, जहां आपको मिलेगा आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स पर अप टू 70% डिस्काउंट. सो सेल का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. फर्स्ट मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ इस डीओ के बारे में. ये है वाइल्ड स्टोन कोड गोल्ड परफ्यूम. इसमें कई सारे वेरिएंट्स है. ये वाला गोल्ड है एंड ये 250 रुपीज़ का है और ये 120 ml का है. ये इस तरह के एक कन्वीनियंट ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग में आता है एंड इट स्मेल्स वेरी फ्रेश. इसमें थोड़ा सा लाइम जैसा फ्रेग्रेंस है, फ्रेशनेस एक फ्रेग्रेंस है. तो ये मैन वुमन सभी इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज़ यूनिसेक्स परफ्यूम, बट ये एकदम स्वीट या फिर कुछ फ्लावरी सा फ्रेग्रेंस नहीं है. ये एकदम फ्रेश फ्रेग्रेंस है. तो दिस विल बी परफेक्ट फॉर मैन. और ये जो फ्रेग्रेंस है ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है. आई लव दिस फ्रेग्रेंस. आई डोंट माइंड यूजिंग दिस काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस. सो अगर आप भी फ्रेशनेस या फिर आपको इस तरह के सिट्रसी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वन. नेक्स्ट जो फ्रेग्रेंस है वो एकदम फ्लोरल काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस है, जो कि वुमेन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा. दिस इज नॉट अ मैन परफ्यूम. और ये परफ्यूम है, ये रिया बिंदास परफ्यूम है. ये 30 ml का है एंड इट रिटेल्स फॉर जस्ट 145 rupees. इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इसमें एक फ्लोरल नोट है. इसमें कोई बेस नोट, टॉप नोट ऐसा कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया है. सो आई डोंट नो अबाउट द डिटेल्स, बट डेफिनेटली इसमें कुछ फ्लावरी सा कुछ फ्रेग्रेंस है. तो ये एकदम वुमन काइंड ऑफ एक फ्रेग्रेंस है. अगर आपको फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है और एक स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस पसंद है, देन डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं. दिस इज रियली अफोर्डेबल. नेक्स्ट मिनीसो के कुछ फ्रेग्रेंस मैं शेयर करूंगी, जिसमें है ये वाला फेमस बॉडी स्प्रे. ये बॉडी कोड डिओड्रेंट बॉडी स्प्रे है इन द वेरिएंट सनसेट पर्पल. इसमें ना कई सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है. तो एक सेट में आता है जिसमें बहुत सारे 2-3 वेरिएंट्स अवेलेबल होता है. तो वो सेट मैंने खरीदा था. तो उसमें जो 2 वेरिएंट्स है ना वो अभी मेरे पास तो नहीं है, बट आप इसे एज अ सेट भी ट्राई कर सकते हैं. वो काफ़ी हैंडी हो जाता है और अफोर्डेबल भी पड़ता है. ऑल्दो इट्स ऑन इट्स ओन दिस बॉडी स्प्रे इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल. ये सिर्फ 90 rupees का है एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है दैट इज सो अमेजिंग. ये एकदम ऐसा नहीं कि कुछ फ्रूटी सा या कुछ फ्लोरल जैसा फ्रेग्रेंस है. ये थोड़ा सा फ्रेशनेस एंड फ्लोरल मिक्स्ड एक फ्रेग्रेंस है. मुझे पहले लगा था कि इसमें लैवेंडर का फ्रेग्रेंस रहेगा, बट इसमें उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैवेंडर फ्रेग्रेंस नहीं है. दिस इज़ गुड माइल्ड, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं है. ये बॉडी स्प्रे है तो ये सिर्फ 2-3 घंटे तक ही चलता है, उसके बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा. उतना ज़्यादा इसका जो फ्रेग्रेंस है वो ओवरपावरिंग नहीं है, क्योंकि ये एक बॉडी स्प्रे है एंड ऑल्सो मिनीसो के परफ्यूम्स काफ़ी माइल्ड होते हैं. सो अगर आपको माइल्ड परफ्यूम्स पसंद है देन आप ये वाला ट्राई कर सकते हैं. दिस इज रियली अफोर्डेबल, हैंडी एंड बजट फ्रेंडली ऑल्सो. नेक्स्ट मिनीसो का एक और परफ्यूम है मेरे पास, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट भी है. जस्ट लुक एट द पैकेजिंग. दिस इज वेरी प्रीमियम एंड क्लासी परफ्यूम. और ये मैंने अपने दीदी के बैचलर पार्टी में उसे गिफ्ट किया था एंड यू ऑल कैन सी हाउ मच शी हैज़ यूज दिस परफ्यूम. ये एकदम माइल्ड एक फ्लोरल काइंड ऑफ परफ्यूम है, जो कि परफेक्ट रहेगा फॉर गर्ल्स एंड वुमेन ओनली. और ये परफ्यूम ना ज़्यादा देर तक स्टे नहीं करता, एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है. तो अगर आपको ज़्यादा ओवरपावरिंग या ज़्यादा फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं. ये डैजल स्टार्स परफ्यूम है. ये 500 रुपीज़ में आपको अमेजन पे उसके 500 रुपीज़ के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगी. ये एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है, थोड़ा सा इसमें फ्रूटी, थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स है. तो ये वुमेन के लिए परफेक्ट रहेगी. फ्रेग्रेंस की बात जब हम लोग करते हैं तो सीक्रेट टेम्पटेशन एक ऐसा ब्रांड है जिनके कई सारे बॉडी स्प्रेज एंड फ्रेग्रेंस अवेलेबल है मार्केट में. तो उनके फ्रेग्रेंसेस भी मुझे ट्राई करना पसंद था. पहले मैं डिओड्रेंट्स ट्राई करती थी, बट अभी मुझे लगा उनका जो फ्रेग्रेंस है उसका जो परफ्यूम रेंज है वो ट्राई करते हैं. एंड सीक्रेट टेम्पटेशन का ये जो रोमांस वेरियंट है ये मैंने ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी,
दिस इज़ माई मोस्ट रिग्रेट बाय फ्रॉम Amazon, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. एकदम जैस्मिन फ्लावर जैसा इसका फ्रेग्रेंस है, एंड पर्सनली आई डोंट लाइक जैस्मिन फ्लावर फ्रेग्रेंस, और मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा ऑयलीनेस जैसा फील होता है. तो इसे मेरी मम्मी को ये वाला पसंद है, क्योंकि मेरी मम्मी को ना फ्लावरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, और इसमें एकदम जैस्मिन, स्ट्रॉन्ग जैस्मिन का फ्रेग्रेंस है. इट टोटली फील्स लाइक जैस्मिन फ्लावर. सो अगर आपको जैस्मिन फ्रेग्रेंस पसंद है देन गो फॉर दिस वन, अदरवाइज आप कोई और वेरियंट भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग तो है. मुझे इसका फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आया, बट द क्वालिटी इज गुड. लेयर वाटर गर्ल के कई सारे वेरियंट्स अवेलेबल है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ लेयर वाटर गर्ल मिस्टिक आईलैंड बॉडी स्प्रे. और ये जो फ्रेग्रेंट एक बॉडी स्प्लैश है, इसका जो फॉर्मुलेशन है वो मुझे काफी अच्छा लगता है. दिस इज रियली लॉन्ग लास्टिंग एंड इसका एक फ्रेश जैसा फ्रेग्रेंस है. तो ये ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ वेरी माइल्ड. ये प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो बहुत ही ज़्यादा हैंडी हो जाता है, इजी टू कैरी. इसका जो प्राइस है वो भी मिनिमम है. ये 130 ml का बॉटल है, जिसका प्राइस है जस्ट 195 rupees. तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, इसमें कई सारे और वेरियंट्स है वो भी ट्राई कर सकते हैं. पर्सनली मुझे जो फील हुआ है कि इसका फ्रेग्रेंस ना ओवर द टाइम थोड़ा ख़राब हो जाता है. पहले जब मैंने इसे परचेज किया था, उस टाइम इसका फ्रेग्रेंस इतना फ्रेश था, थोड़ा सा फ्लोरल नोट्स भी थे इसमें. लेकिन अभी क्या है कि इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा चेंज हो गया है. आई थिंक मे बी विथ टाइम ये थोड़ा ख़राब हो जाता है. तो अगर आप इतना ज़्यादा, इतना बड़ा बॉटल भी नहीं परचेज करना चाहते, तो आप कोई छोटा सा वर्जन इसका ट्राई कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गुड क्वांटिटी में है, तो इसे ख़त्म करने में भी टाइम लगेगा. बट अगर ज़्यादा, जैसे कि एक दो साल से मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जो आजकल मैं ट्राई करती हूँ, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगता. तो एक साल के बाद इसका फ्रेग्रेंस थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट फॉग परफ्यूम के बारे में भी मैं शेयर करना चाहती हूँ. ये है फ्रेग्रेंस बॉडी स्प्रे, ये ब्लू कलर वेरिएंट में है. इसका जो ब्लैक वर्जन है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब ये एकदम लॉन्ग लास्टिंग भी है, स्ट्रॉन्ग भी है. तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अच्छे नहीं लगते, हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, दिस इज़ नॉट फॉर यू. ये एकदम स्ट्रॉन्ग है, ये यूनिसेक्स है, इसे मैन वुमन सभी ट्राई कर सकते हैं. मैं इसे पर्सनली पसंद करती हूँ इस्तेमाल करना, कभी कभार लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जब मुझे शूज पर जाना पड़ता है तब मैं इसे ट्राई करती हूँ. बट हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐसा मुझे फील होता है कि इट्स लाइक मोर लाइक मेन परफ्यूम. जो हम लोग मेन डिओ पसंद करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट रहेगा. दिस इज नॉट टोटली वुमन परफ्यूम, बट थोड़ा सा, हाँ, ये टोटली यूनिसेक्स भी नहीं है, थोड़ा सा मेल परफ्यूम जैसा इसका फ्रेग्रेंस है. इसका प्राइस है 250 rupees फॉर 150 ml. डेफिनेटली अगर आपको इस तरह के स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस पसंद है देन यू कैन ट्राई. मुझे तो काफी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये एकदम फ्रेश जैसा फ्रेग्रेंस है इसका, और काफी लॉन्ग लास्टिंग भी है, एंड आई डोंट माइंड अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. नेक्स्ट रैमसन्स के परफ्यूम मैं शेयर करूंगी. दिस इज माई फेवरेट वेरियंट फ्रॉम एंटायर रैमसन्स परफ्यूम कलेक्शन, बोथ बिकॉज ऑफ द पैकेजिंग, बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्राइस पॉइंट. क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है, ये एक्चुअली 30 ml का है, एंड ये आपको 125-135 में मिल जाएगी. दिस इज सो अफोर्डेबल एंड द फ्रेग्रेंस इज रिच, प्रीमियम, क्लासी, फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. दिस इज नॉट एट ऑल फॉर मेन, दिस इज टोटली वुमन परफ्यूम. एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है वो इतना ज़्यादा फ्लोरल, लॉन्ग लास्टिंग है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. इसमें थोड़ा फ्रूटी नोट भी है. तो अगर आप कोई रिच, क्लासी, अफोर्डेबल फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं, तो आप इसे ये ट्राई कर सकते हैं. दिस इज रियली गुड फॉर गिफ्टिंग पर्पज ऑल्सो. अगर आप कोई हैम्पर बना रहे हैं, बैचलर पार्टी हैम्पर या बर्थडे या वेडिंग हैम्पर, तो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं. जस्ट रिटेल्स फॉर 135 rupees, बट एकदम क्लासी लगता है. आप जिसको गिफ्ट करेंगे ना, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना अफोर्डेबल एक परफ्यूम है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस प्लम परफ्यूम. ये परफ्यूम इतना ज़्यादा आजकल फेमस है, एंड यू ऑल कैन सी जस्ट इतना सा ही बाकी है परफ्यूम. रेस्ट आई हैव फिनिश्ड दिस. दिस इज माई फेवरेट एंड गो टू परफ्यूम नाउ डेज, दिस समर सीजन स्पेशली. ये प्लम बॉडी लविंग का ऑर्किड यू नॉट वेरियंट है. ये मैंने मृदुल शर्मा के वीडियो रिकमेंडेशन से परचेज किया था, एंड आई थिंक हर वाइब मैचेस विथ माइंड, क्योंकि जितने भी परफ्यूम्स उन्होंने सजेस्ट किया है या फिर कुछ भी वो सजेस्ट करती है, मैं उन्हें ट्राई करती हूँ, एंड आई टेंड टू लाइक दैट परफ्यूम. तो इसीलिए कभी भी परफ्यूम रिकमेंडेशन मुझे लेना है, आई ऑलवेज वॉच हर वीडियो एंड हर परफ्यूम रिकमेंडेशन को मैं फॉलो करती हूँ, एंड आई टेंड टू लव ऑल द परफ्यूम दैट शी लव्स. जैसे कि ये वाला रैमसन्स का परफ्यूम ऑल्सो मैंने उनके वीडियो में भी देखा था, हालांकि उससे पहले भी मैंने उसे ट्राई किया था, बट दिस परफ्यूम
टोटली आई हैव परचेस्ड आफ्टर वॉचिंग हर वीडियो एंड आई एम इन लव विद दिस. ये इतना रिच एक परफ्यूम है, येट दिस इज सो अफोर्डेबल एंड फ्रॉम अ वेल नोन ब्रांड. गिफ्टिंग के लिए भी अच्छा है, एट द सेम टाइम डेली वेयर के लिए भी परफेक्ट है. पार्टी वेयर में भी आप इसे ट्राई कर सकते. दिस इज वुमन परफ्यूम, यूनिसेक्स नहीं है. मेल के नॉट यूज दिस क्योंकि इसमें फ्लोरल नोट्स है. ये एकदम ऑर्किड जैसा फ्रेग्रेंस है एंड दिस इज सो फ्रेश एंड एकदम क्लासी रिच एक फ्रेग्रेंस है. तो आप अगर इसे स्प्रे करते हैं ना तो आपको अच्छा फील होगा. जब कोई कुछ अच्छा काम के लिए आप निकल रहे हैं, यू नीड टू स्मेल गुड, यू नीड सम फ्रेशनेस, सम बूस्ट ऑफ एनर्जी, तो उसके लिए ये परफ्यूम परफेक्ट है. दिस इज़ माय फेवरेट फ्रॉम दिस एंटायर परफ्यूम कलेक्शन. उसके बाद अगर कुछ सिलेक्ट करना है तो मैं ये वाला करूँगी. ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. ये मैंने रिसेंटली परचेज किया क्योंकि ये ख़त्म होने ही वाला है एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग न्यू. तो इसके न्यू वेरियंट भी मैं ट्राई करूँगी, बट यू नेवर नो वो वाला अच्छा होगा कि नहीं. बट इसीलिए मैंने ये वाला परफ्यूम ट्राई किया अभी. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सारे प्रोडक्ट्स के परचेजिंग लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें. मैंने इंडिविजुअल लिंक्स भी प्रोवाइड किया है और एक माई हॉट स्टोर का लिंक भी प्रोवाइड किया है. आज के लिए कहीं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी. बाय.